Hello everyone, this is Kamini Singh and welcome to my channel. In this class, we will learn how to make bridal lehenga. Agar aapne abhi tak isse pehle wali videos nahi dekhi hai, then check out the links below. So let's start the video. Go to file, then place embed. Select your color, then click place. Select your move tool, press Alt. And move your kali. Make sure कि हमें ये सब कली टॉप लेयर में बनाना है. ये बॉटम में इसलिए बैक में दिखाई दे रहा है. इसे टॉप में ले जाएंगे. राइट क्लिक ऑन द लेयर, देन गो टू रेस्टराइज लेयर. ओके, विथ योर मूव टूल प्रेस Alt एंड मूव प्योर कली. देखिए, ये कली को हम लोग यूज नहीं कर रहे, इसका कॉपी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हम लोग कॉपी जनरेट करेंगे या बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे, इसलिए इसे एज इट इज रखेंगे. इसका लेंथ एडजस्ट करेंगे, प्रेस कंट्रोल टी, एडजस्ट लेंथ. इसका ब्रेथ भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो शिफ्ट के साथ इसे एडजस्ट करेंगे. इसका कली, और हम लोग टोटल 8 कली वाला लहंगा बनाने वाले हैं, इसलिए इसका वेस्ट और थिंक करने का जरूरत है. ओके, अगेन प्रेस Alt, देन मेक कॉपी. इस लेयर को भी पहले ऑफ, आई ऑफ करेंगे. कंट्रोल टी, देन क्लिक ओके. अब ये सारे कली को एक ग्रुप में ऐड करेंगे. क्लिक ऑन फर्स्ट लेयर, देन प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन ऑल कली लेयर्स, देन प्रेस कंट्रोल ई. अब ये पूरा कली एक लेयर में आ चुका है. देन गो टू एडिट, ट्रांसफॉर्म, रैप. यहाँ बेस्ट पास देख सकते हैं, और इसे कर्व शेप देने का जरूरत है. इसके लिए हम लोग पपेट ट्रैप यूज करेंगे. जहां जहां ये बिल्कुल ठीक है वहां पे पिन कर लेंगे, ताकि वहां से वो मूव ना हो. देन क्लिक एट द पॉइंट एंड ड्रैग इट. माउस को छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करके ड्रैग करेंगे.
आउटफिट को मोर रियल लुक देने के लिए हम इसमें शैडो एंड साइन ऐड करेंगे। इस लेयर में हमारा कली, इसमें हम लोग शैडोज अभी बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले इस कली के एम्प्टी पिक्सल को लॉक करेंगे। देन सेलेक्ट डॉज टूल और बर्न टूल, शिफ्ट प्रेस, देन क्लिक। जहां भी कली ज्वाइन हुआ है वहां पे शैडो ऐड करेंगे। मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके माउस यूज कर रही हूँ, उससे क्या होता है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जहाँ भी माउस पॉइंट करेंगे वहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन खुद ड्रॉ कर देता है। देन इंक्रीज ब्रश साइज, ये पूरा प्रोसेस को और शॉर्ट वे में करने का तरीका है। सेलेक्ट पेन टूल, देन जहां भी शैडो ऐड करना है वहां पाथ बनाएंगे, स्किप। Now select burn tool, select path, then click stroke path, increase brush size, then stroke path. देख सकते हैं हमारा शैडो बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हाईलाइट ऐड करेंगे, उसके लिए एक और पाथ बनाएंगे जहां भी हाइलाइट्स ऐड करना है। देन सेलेक्ट डॉज टूल, इंक्रीज ब्रश साइज, देन स्ट्रोक पाथ। हमारा हाईलाइट एंड शैडो का काम हो चुका है, अब कहीं कहीं स्पार्कल ऐड करेंगे। ये है मेरा स्पार्कल ब्रश टूल, आप गूगल से कोई भी स्पार्कल या टाइम ब्रश डाउनलोड कर सकते हो। इसका फ्लो 50% के अंदर रखेंगे। सेलेक्ट वाइट कलर, या ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन का लहंगा है तो
येलो कलर भी ले सकते हैं। देन क्लिक ओके। रैंडम प्लेसेस पे अगर साइन को थोड़ा ब्राइट बनाना है तो डबल क्लिक करेंगे। जितना ज्यादा क्लिक करेंगे उतना ब्राइटर साइन होगा। नाउ आवर लहंगा इज कंप्लीट विद द शैडो हाईलाइट एंड साइन।